ऐसे बोलेंगे ठीक है थैंक यू, तो आप वापस भागते हुए आ जाएंगे। ठीक है, डन, समझ आया? कैमरे के सामने जो फियर होता है वो कैसे दूर होता है। कॉल आई, फर्स्ट कॉल आई। ओपन स्पेस में जब शूट किया जाता है तो कैसे किया जाता है? वापस आओ, वापस देखो सामने। ये सब आज के ऑन लोकेशन वीडियो में आपको देखने को और सीखने को मिलेगा फिल्मी फंडे में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, और अगर वाकई चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक फ्री मास्टर क्लास, एक फ्री वेबिनार, फ्री वर्कशॉप मैंने किया हुआ है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को समझ सकते हैं, ताकि आप ये रास्ता बना सकें कि आपको किस रास्ते पर चलना है, किस तरह से चलना है, कब से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है। अगर वाकई करियर बनाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और अभी के अभी मास्टर क्लास को ज्वाइन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जॉइंट फिल्म्स में आपको मालूम ही है कि जो प्रैक्टिकल फिल्म एक्टिंग कोर्स है उसमें सभी स्टूडेंट्स को पहला चांस वहीं के वहीं मिल जाता है, यानी कि वो किसी शॉर्ट फिल्म में, वेब सीरीज में काम करते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल वे में शूट होती है। इस बार जो फिल्म शूट हुई बिल्कुल नए तरीके से हुई, क्योंकि हमने इसको एक आईफोन का जो प्रोफेशनल किट आता है उस पर शूट किया है, ओपन स्पेस में शूट किया है, बीच पर शूट किया है। तो बीच में जब शूट करते हैं आप या कहीं पे नदी किनारे, या जब बहुत सारी पब्लिक होती है वहाँ पर कैमरा वगैरह ऑपरेट करना, लाइट वगैरह रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आजकल जो प्रोफेशनल कैमराज हैं वैसे ही फ़ोन आने लग गए हैं और वो आपको रेंटल पे भी मिलने लगे हैं कि आप फिल्म बना सकते हैं। तो उसी पे हमने ये फिल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म है साइको, बहुत कमाल की फिल्म है। इसमें आप देखेंगे कि जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह से पब्लिक प्लेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, फ़ोन कट करेगी, उसके बाद थोड़ा सा क्लोज आओगे, यहाँ सब निकल जाओगा, फिर आपका फ़ोन भी होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये बोलना है आपका ऐसा फ़ोन है कि शायद आपको कोई वर्किंग फ़ोन है और एमरजेंसी आपको जाना पड़ेगा, आप बोलोगे हाँ ठीक है ओके। तो साजिद बता रहे हैं एक्टर को कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और जब आप बाहर शूट कर रहे होते हैं तो बहुत ध्यान रखना होता है हर चीज़ का, क्योंकि शॉट्स बहुत ज़्यादा नहीं लिए जा सकते, रीटेक बहुत ज़्यादा नहीं किए जा सकते, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। विलियम जी क्या करो, गोला बंद करो और बैलून आपके हाथ में रखो, जब एक्शन होगा ना तो बैलून आप नीचे रखना, जैसे अभी रखे ना आपने वहाँ रखना, फिर थोड़ी देर होल्ड करना, फिर गोला खोलना, ठीक है, ऐसा ये एडजस्ट करना बैलून, ठीक है। एक बार आप डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ गए फिर एक्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है किसी भी एक्टर के लिए, इसलिए ऑन लोकेशन वीडियो से आप भी सीखें और आप भी समझें। एक्शन, तो ये समुद्र का किनारा है जहाँ पे कि विलियम बैठे हैं और उनका जो कैरेक्टर उसको प्ले कर रहे हैं, खिलौने वाले का कैरेक्टर है, और ये फिल्म आपको बहुत जल्दी फिल्म टाउन चैनल पर, जॉइंट फिल्म्स के चैनल पर देखने को मिलेगी। अब जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं डायरेक्टर उसको फॉलो कर रहे हैं विलियम, और उन्होंने हाथ रखा हुआ है, जो पीछे से उनके को एक्टर्स आएंगे, जो सपोर्टिंग कास्ट है वो आएगी, उसको इशारा देना है कि कब एक्चुअली एंटर करना है, उसके लिए वो खुद को भी होल्ड किए हुए। तो एज एन एक्टर आपको अवेयर रहना पड़ता है कि डायरेक्टर इस समय आपसे क्या चाहता है। बालों को सहलाओ, सोनू, स्माइल करो, तो ये दूर से शॉट ले रहे हैं लेकिन फिर भी प्रॉपर मिल रहा है आउटपुट, क्योंकि देखते भी जा रहे हैं साथ में कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, और ये एक थ्रिलर फिल्म है तो उस तरह से मेंटेन करनी है एंगल्स ऑफ फ्रेम, तो उसके लिए भी मोबाइल ज़्यादा कन्वीनियंट है। अब डायरेक्टर फिर कपल को समझा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, एक एक शॉट की बहुत अच्छे से रिहर्सल कराई जाती है, समझाया जाता है, ताकि आप बहुत आसानी से उसको प्ले कर पाएँ, बस आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए। आप भी कभी शूटिंग पे जाएं तो प्लीज़ इसी बात का ध्यान रखें कि आपको भी जब कोई समझा रहा हो तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रखें बल्कि उनकी बात पूरी तरह से सुने। बैठ जाओ, उस साइड फेस करके बैठ जाओ, रे ऊपर चढ़ो, उस साइड फेस कर, कट इट, कट इट। तो एक मूवमेंट लेना, दो बार कट किया, तीसरी बार में कॉल उठाना है, तो कॉल जब उठाओगे ना तो थोड़ा सा क्लोज जाना है, है ना, दो बार कॉल कट किया, उसके बाद हाथ में फ़ोन है तो कुछ नहीं है, ये थोड़ा
नहीं जाऊँगा तब रिंग करेगा, तो थोड़ा सा इरिटेशन के बाहर बार बार कुछ कॉल करता, वो पूरा डायलॉग सेम है जैसे लेना नहीं गैप के बाहर, क्योंकि वहाँ से भी कुछ रिप्लाई आ रहा है, उसका क्लोज शॉट अलग जाएगा, एक ये वाइड बच्चा है ठीक है। तुम्हारा क्या करना, तुम्हारा जब मैं बोलूँगा तब कॉल आएगा, आया कॉल हाँ हाँ ठीक है मैं बस पहुँचता हूँ ठीक है, उसके बाद और भी मुझे निकलना होगा, तुम निकल जाना आराम से मैं जाता हूँ ठीक है, ये बोल के अच्छा प्रॉपर हक करके जा सकते हो, हमें नीचे हाँ नीचे उतरी थी ना, मैं भी उतरूंगी, तो प्रॉपर हक करना ओके हक करना है ना, और फिर कुछ एक स्वीट गेस्चर दे सकते हो, ऐसा कुछ भी लगना चाहिए कपल है ना, और वो आपको अर्जेंट जाना पड़ रहा है उसकी वजह से आप प्रॉपर हक करके फोन भी उठाओगे ना उठा के फिर ऐसे जल्दी जल्दी मत भागना कि हाँ मुझे ना कुछ अर्जेंट काम आ गया है, थोड़ा उसको आराम से बता के फिर जाना ठीक है। चलो करते हैं रेडी, नॉर्मल में वैसे होता है ना थोड़ा टाइम लेके जाते हैं ना अचानक नहीं निकालने, ओके झूठ नहीं बोलना चाहिए, ओके डन बोले सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो थोड़ा लेंगे है ना टाइम लगेगा, क्योंकि अब भी निकला ना आपका वॉइस, इनके भी रिएक्शन आएंगे उसके बाद शुरू करेंगे रेडी। अब कैमरा एंगल चेंज किया गया, और कैमरा एंगल चेंज करने के बाद जो करेक्टर है उनको उतारा गया वहाँ से, और अब वो जाने के लिए तैयार है, मतलब एक ही शॉट को उन्होंने दो तरीके से लिया, एक फ्रंट से लिया और एक बैक से लिया। झूठ नहीं बोलना, व्हाट झूठ नहीं बोलना, क्यों नहीं बकवास, क्या बकवास कर रहे हो, झूठ नहीं बोलना, आर यू मैड, मैं झूठ भी बोलूं कुछ भी करूं मेरी लाइफ है, और जब वो लोग आके बैठेंगे ना तो आप बैठ जाना, इनको देखना। अब डायरेक्टर जो सेंटर करेक्टर हैं विलियम, उनको बता रहे हैं कि उनको क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि जो बलून रखने हैं या जो खिलौने रखने हैं उनको उसी हिसाब से रखने हैं जैसे कि वो फ्रेम में अच्छे लगे। पब्लिक प्लेस में शूट करना अपने आप में एक चैलेंज होता है एक्टर के लिए, डायरेक्टर के लिए भी, एक्टर के लिए इसलिए होता है क्योंकि पब्लिक प्लेस है और आपको कैमरा फियर अगर आप है तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए जॉइंट फिल्म्स की एक्टिंग क्लासेस में प्रैक्टिकली लर्न फिल्म एक्टिंग बाय एक्टिंग इन फिल्म्स के कॉन्सेप्ट पर काम किया जाता है, इसलिए आप देख रहे हैं कि सभी एक्टर पूरे रूल्स फॉलो कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के मामले में, सुनने के मामले में और एक्टिंग के मामले में। बेटा देखो ये दीदी है ना, जब मैं बोलूँगा ना तब पीछे से इनके जाना और इनका ये बैग खींचना भागते हुए जाना, आपके हाथ में एक डोरीमोन रहेगा है ना, इनको रोकना, ये रोकेंगी बोलेंगे क्या हुआ बेटा, तो आप इनको वो डोरीमोन देना है ना, सिर्फ बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ आप डोरीमोन दोगे पहले तो ये लेने से मना करेंगे है ना, क्या है बेटा ये। इसमें छोटी बच्ची भी एक है और छोटी बच्ची से काम कराना आसान भी होता है मुश्किल भी, आसान इसलिए होता है कि वो बड़े स्पॉन्टेनियस होते हैं जो करवाओ फटाफट कर लेते हैं, और मुश्किल इसलिए होता है कि कई बार उनका उतना मूड नहीं होता या समझ नहीं आ पाता तो भी काम बिगड़ जाता है, लेकिन बच्चे एक बार अगर समझ जाएं तो वो फिर पूरी तरह से फॉलो करते हैं। किसने दिया वो डोरेमोन, वो भैया ने दिया था जो आपके साथ बैठे थे, वो भैया ने दिया जो आपके साथ बैठे थे, वो भैया ने दिया जो आपके साथ बैठे थे, आपके साथ बैठे थे भैया उन्होंने दिया है, अच्छा आपको देते हुए बोलो खाली हम लोग आप फॉलो, क्या हुआ बेटा बोलो, जो आपके साथ बैठे थे, थैंक यू, ये बोल के निकल जाएगा, ये बोलेगा ना ये ले लेगा और आपको निकलना है फिर ठीक है, वापस आना है किनके पास, इनके पास, मतलब वहाँ से वापस आना है ठीक है, फिर ये आपको एक बलून देंगे, ये हो जाएगा बलून, फिर आपको घर ले जाना ठीक है, लेकिन पैसे घर ले लीजिए बस, इतना बोल देना बस, अगेन बोलो वापस एक बार, वो भैया ने दिया जो आपके साथ, ये ले लो ये पकड़ो, ये पकड़ो जो आपके साथ बैठे थे, से वापस करो 1 2 3 स्टार्ट, क्या हुआ बेटा, वो भैया ने दिया जो, अब जैसे शॉट उनको समझा दिया गया है, थैंक
कि क्या करना है उनको, बोल के वापस आ जाना है, ठीक है? मैं बोलूँगा तब जाना आप भाग, ठीक है? जाओ रे, रोलिंग। अब ये एक जाने का शॉट है, वॉक का शॉट है, तो जिस इमोशन में वहाँ से उतरे थे करेक्टर, फीमेल करेक्टर, उसी हिसाब से वो जा रहे हैं। तो ये एक अगर पूरा का पूरा रास्ता दिखाया जाता है तो एक खालीपन, एक लॉस्टनेस दिखाई जाती है सिम्बॉलिकली सिनेमा में। अब उसी बच्चे को बोला गया पीछे भागने को, देखिए कितना स्पॉन्टेनियस है कि वो फौरन चला गया, कोई झिझक नहीं। देखा तुम, वहीं रुकना, देखो उसको, देखती रहो देखती रहो देखती रहो। हाँ निकल जा बेटा, निकल जा, बस कट रुक जा, बस कट इट। तो फिल्म इंडस्ट्री में अगर आना है तो फिल्म इंडस्ट्री की बातें और कैसे काम होता है वो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और जॉइन फ्रॉम्स यूट्यूब चैनल आज नंबर वन चैनल हो गया इसी वजह से कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन विद विजुअल पहुंचा देता है, तो आपको मुंबई आने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी आजकल ज़माना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, तो ऑनलाइन के थ्रू तो बहुत आसानी से हो सकता है। तो अगर आप भी इस तरह से लर्न फिल्म एक्टिंग बाय एक्टिंग इन फिल्म्स करना चाहते हैं, ऑन लोकेशन वीडियो में काम करना चाहते हैं, ऑन लोकेशन शूटिंग में काम करना चाहते हैं, तो एक बार आप जॉइन फिल्म्स की काउंसलर टीम से ज़रूर बात कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है कि आपके लिए कौन सा बैच जो है वो बेस्ट रहेगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।